नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुपिष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया था, उसका असर अब कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जितने भी भारतीय नागरिकों के स्विस बैंक में अकाउंट हैं, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो आज सभी के सामने आ जाएगा। जी, आपको बता दें कि स्विस बैंक जो है वो आज आयकर के जो अधिकारी हैं उनको पूरी लिस्ट यहां पर सौंपेगा कि किस भारतीय नागरिक का जो अकाउंट है उसमें कितनी मनी है, उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी जो सूची है वो आज आयकर विभाग के अधिकारियों को यहां पर सौंपी जाएगी। तो स्विस बैंक में भारतीय खातों के सस्पेंस से आज कहीं ना कहीं ये पर्दा उठ जाएगा। भारत को जो काले धन जमा करने की वालों की लिस्ट है वो यहां पर स्विस बैंक सौंपने वाला है। तो टैक्स अधिकारियों के पास ये जो जानकारी है वो उपलब्ध होगी। बता दें कि 2018 में बंद किए गए खातों की भी जानकारी इस दौरान यहां पर मिल पाएगी। तो वित्त पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ये बड़ी बात जो है सामने आई थी। और 30 सालों की अगर बात करें तो 30 सालों में भारत से बाहर भेजा गया है 34,30,000 करोड़ जो है वो स्विस बैंक में जमा किया गया है। तो देख सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम जो है वो स्विस बैंक में है और आज इसकी डिटेल यहां पर सामने आ जाएगी। तो स्विस बैंक की गोपनीयता खत्म होने से काले धन पर नकेल कसेगी। दरअसल जिस तरह से नोटबंदी का 2016 में मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में फैसला लिया था और उसको लेकर विपक्ष भी काफी हमलावर हुई थी कि अगर फैसला लिया गया है तो कहां काला धन जो है वो वापस आ पाया है। लेकिन दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है, जिस तरह से स्विस बैंक एक रिपोर्ट यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारियों को सौंपेगा, उससे बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने जो काले धन को लेकर एक्शन लिया वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए R9 टीवी के साथ।